हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल नंबर 15 है कलेक्शन डेटा टाइप, जिसमें हम सेट कमांड यूज करके कलेक्शन बनाएंगे। तो कलेक्शन डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है कि एक कॉलम के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेंगे। जैसे अगर कोई कस्टमर है, उसके पास एक फोन नंबर है तो हम एक स्टोर करेंगे। अगर हमारे पास दो या तीन फोन नंबर है तो वो भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। सेट कमांड में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जब रिट्रीव होगा या फिर हम क्वेरी लिखेंगे तो वो शॉर्टेड ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएगा। फोन नंबर शॉर्ट करके हमें डिस्प्ले होगा और इसमें हम ऐड या डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले कस्टमर टेबल क्रिएट करना है जिसमें हमारा नेम हो जाएगा प्राइमरी की। फोन नंबर में हम लिखेंगे सेट वेरियंट। तो यहाँ पर हम इंसर्ट करते वक्त पहला फोन नंबर, दूसरा फोन नंबर, जितने भी हमारे पास कस्टमर के फोन नंबर है हम एक एक करके इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कैसेंड्रा सर्वर स्टार्ट करना है। इसके बाद आपको कैसेंड्रा सीक्यूएल एसएच स्टेल स्टार्ट करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें कमांड्स कौन से लिखने हैं। तो हम पहले करेंगे क्रिएट टेबल कस्टमर टू। तो अगर कोई आपके पास एग्जिस्टिंग टेबल है तो उसको ड्रॉप कर दीजिए। मैं यहाँ पे देखती हूँ ड्रॉप टेबल CUST 2। अगर मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग है तो मैं इसे ड्रॉप कर देती हूँ। अब मैं लिखती हूँ क्रिएट टेबल कस्टमर टू, नेम हो गया टेक्स्ट प्राइमरी की एंड फोन नंबर सेट वेरिएंट। तो ये हमारा कॉलम टेबल क्रिएट हो गया जहां पर हम फोन नंबर में मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं। अब हम एक एक करके यहाँ पर रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया है, कस्टमर नेम हमने लिखा है ABC2 और इसके है दो फोन नंबर्स, तो ये इंसर्ट हो गया। अब हम इसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर टू। तो हमारा पहला रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। वैसे ही हम दूसरा रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक और रिकॉर्ड इंसर्ट किया, यहाँ पे मैंने दो फोन नंबर्स लिखे हैं, आप तीन फोन नंबर्स भी लिख सकते हैं और कस्टमर नेम हम ले लेते हैं ABC3। तो ये देखिए ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब आपको सिलेक्ट क्वेरी लिखना है। तो यहाँ पर दो रिकॉर्ड्स हमारे डिस्प्ले हो गए। अब आपको कोई भी अपडेट करना है, जैसे मुझे फोन नंबर में कोई एक फोन नंबर डिलीट करना है, तो मैं क्या लिखूंगी, अपडेट कस्टमर टू सेट फोन इज इक्वल टू फोन माइनस, और हम फोन नंबर प्रोवाइड करेंगे वेयर नेम इज इक्वल टू ABC2। तो ये वाला जो फोन नंबर है ये डिलीट हो जाएगा। फिर आप पहले चेक कर लीजिए कि ये एग्जिस्टिंग फोन नंबर है क्या। यस yes, तो ये फोन नंबर हमारा डिलीट हो गया। जो एग्जिस्टिंग था उसमें हमारा एक फोन नंबर डिलीट हो गया। अब आप सेलेक्ट क्वेरी लिख के देख लीजिए। ये देखिए ABC2 के लिए हमारा फोन नंबर डिलीट हो गया। और जब भी हम क्वेरी परफॉर्म करते हैं तो हमारे जो फोन नंबर्स है वो शॉर्टेड डिस्प्ले होंगे, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में हमारे फोन नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो वैसे ही अगर ये टेबल आप मार्क स्टोर करने के लिए या फिर कोई भी ईमेल एड्रेसेस ये सब स्टोर करने के लिए आप यूज कर सकते हो। अभी कस्टमर टू, इसमें हमें फोन नंबर ऐड करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा अपडेट कस्टमर टू सेट फोन इज इक्वल टू फोन प्लस, आप नया नंबर दे सकते हैं वेयर कस्टमर नेम इज ABC2। तो ये देखिए यहाँ पे एक नया फोन नंबर ऐड हो गया, यहाँ पे ABC2 के लिए एक नया नंबर ऐड हो गया। तो इस तरह से हम मल्टीपल फोन नंबर स्टोर कर सकते हैं। और इसमें सेट और लिस्ट में यही डिफरेंस है कि लिस्ट सेम ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा, सेट में हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में डेटा डिस्प्ले होगा। सो आई होप दिस प्रैक्टिकल वॉज इंटरेस्टिंग। थैंक यू।